हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं यूबॉन कंपनी का 5 वोल्ट मेटल वायरलेस स्पीकर लेके आई हूं, जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। जी हां दोस्तों, आप देख रहे होंगे बहुत ही छोटा स्पीकर है। फ्रेंड्स, मैं वैसे तो रिव्यू करने आई थी, लेकिन मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर फ्लो में नहीं बोल पाऊंगी। तो मैं अपना इस स्पीकर का रिव्यू आपको, मेरा फ्रेंड्स ये रिव्यू करेगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा कॉर्पोरेट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, पूरा डिटेल्स में वो आपको प्रॉपर समझा देंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आपने अभी सुना कि रूपल जी के गले में थोड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से इस स्पीकर का वो रिव्यू नहीं कर पाएंगी, बट मैं यहाँ पर आया हूँ उसका रिव्यू करने। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी तक का सबसे छोटा स्पीकर है। मुझे तो सच बताऊँ, इसको स्पीकर बोलने में भी हंसी आ रही है, क्योंकि इसका साउंड क्वालिटी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्योंकि अक्सर लोग होता है कि छोटा स्पीकर देख के सोच लेते हैं कि साउंड क्वालिटी उतनी बेटर नहीं होगी, क्योंकि उसमें बेस नहीं होने का डर होता है, कई चीज़ें होती हैं। बट मैं आपको बताऊंगा कि लिटरली इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। रूपल जी ने इसको पूरे एक मंथ यूज़ किया है, तो उन्होंने इसका परफॉर्मेंस के बारे में मुझे बताया, तो मैंने कहा आपको भी बताऊं कि इसकी साउंड क्वालिटी सच में ही बहुत अच्छी है। हाँ तो गाइज, ये जो स्पीकर है यूबॉन कंपनी का, मॉडल नंबर इसका है SP6810, जो कि 5 वॉट मेटल वायरलेस स्पीकर है। और इसमें कुछ बेसिक सी फंक्शनैलिटी आती है जो कि स्पीकर के साथ होती है, जैसे कि TWS टेक्नोलॉजी। अब तो बेसिकली भाई, इसमें होता क्या है कि जो आपके अगर स्पीकर इसी तरह का एक और होगा, तो आप दोनों स्पीकरों को टैप करके इसकी साउंड क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हो, ओके। और सेकंड है इसमें फ़ोन कॉल, तो फ़ोन कॉल बेसिकली आप इससे फ़ोन कॉल रिसीव कर सकते हो, किसी कॉल किया है तो दोनों आपस में कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। और थर्ड वन है सिंपल वन क्लिक बटन यूज़, ओके। तो बेसिकली होता क्या है कि कई बार हमारे पास जो स्पीकर होते हैं ब्लूटूथ, थोड़े बड़े होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वॉल्यूम बटन, पावर ऑफ ऑन, सब चीज़ के लिए एक अपना डेडिकेटेड बटन होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी स्मार्टली तरीके से एक ही बटन में सारी चीज़ें दे दी गई हैं, और आप एक ही बटन से इसमें पावर ऑफ, पावर ऑन सब चीज़ें कर सकते हो, और वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, पॉज प्ले कर सकते हो। तो है ना, ये अपने में बहुत अच्छी बात। और दूसरी चीज़ ये आउटडोर क्या है कि आउटडोर में क्या होता है कि बहुत ही पोर्टेबल है, आप इसको पॉकेट में रख सकते हो, रनिंग करते वक्त ले सकते हो, लैपटॉप के पास रख सकते हो, इवन इतनी हैंडी है ये कि आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो। बाकी और चीज़ें जानना है तो इसके लिए पहले मैं इसको अनबॉक्स करूँगा, दिखाऊँगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, ओके। हाँ तो गाइज, मैंने इसको अनबॉक्स किया, जिसमें मुझको एक मिला है यूज़र मैनुअल, जिसने कि इसके सारी डिटेल दी है, इनके और प्रोडक्ट के बारे में एक प्रमोशन कार्ड भी दे दिया है, जो कि थोड़ा कूल सा लुक दे रहा है इसका। इसमें टाइगर श्रॉफ बने हुए हैं जो कि इसका प्रमोशन कर रहे हैं। इसके अलावा ये है स्पीकर, ये देखिए, विश्वास हो रहा है कि स्पीकर है? आप हाथ में देखिए, लग रहा है कहीं से कि ये मतलब एक स्पीकर है? आपको लग रहा होगा कितना छोटा है, इसकी बेस क्वालिटी तो अच्छी होगी नहीं, बस बजेगा छन छन चाइनीज़ की तरह। बट दोस्तों, अभी आपकी साउंड क्वालिटी सुनेंगे ना, दंग रह जाएंगे। आपके घर में कुछ ऐसे स्पीकर होंगे जो लैपटॉप के साथ कनेक्ट होंगे, थोड़े बड़े स्पीकर होंगे, ये उसको टक्कर देता है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, ये उसको टक्कर दे देता है, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मेटल की है, और इसकी जो एक कहा जाए कि जो काफ़ी कॉम्पैक्ट तरीके से इसको किया गया है, जिससे कि इसकी साउंड जो प्रोड्यूस होती है यहाँ से बहुत ही ब्रिलियंट होती है, और इसमें बेस जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जब भी सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपने कई बार देखेंगे जो चाइनीज़ ऐप वो आते हैं, स्पीकर्स आते हैं जो कि 100 रुपये के होते हैं, 150 रुपये के होते हैं, बड़े बड़े, इससे काफ़ी बड़े होते हैं, बट उसमें साउंड काफ़ी लाउड होती है, बट वो एक बेस नहीं होती है, जो एक प्रीमियम क्वालिटी की बेस आनी चाहिए वो नहीं होती, बट इसमें वो है, राइट। तो करना क्या है, अब मैं उसको थोड़ी देर बाद इसका साउंड क्वालिटी सुनाऊंगा, बट मैं आपको बता दूं इसके साथ और क्या मिलता है। तो इसके साथ बेसिकली हमको मिलता है एक USB चार्जर का केबल मिलता है, जी हाँ बस केबल मिलेगा। और वैसे भी हमको केबल मिलना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि हमारे आजकल सबके पास घर में एक एंड्रॉयड चार्जर तो होता ही है, राइट। तो उसके लिए हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उससे भी चार्ज हो जाता है, बट इसको चार्ज करने के लिए आपको एक केबल छोटा सा मिलेगा, अभी है नहीं बट मैं आपको वरना दिखाता। तो इसके हम आपको साउंड क्वालिटी सुनाते हैं कैसे है। और हाँ, एक इसको हैंगिंग के लिए दिया है, मानिए आप रनिंग कर रहे हो तो इसको पकड़ के अगर आप दौड़ते हो तो मे भी झटका लगने से गिरने का डर है, तो आप इसको एज अ ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, कहीं पे टांग के बजा सकते हो, तो बहुत अच्छा है ये चीज़ दे दिया है इन्होंने।
तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जिसके लिए आप इसका इंतजार करते हैं साउंड क्वालिटी, तो वो सुनाते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज इसको जो हमको ऑपरेट करने के लिए पावर बटन दिया है वो इसके बैक साइड दिया हुआ है और इसका चार्जिंग स्लॉट भी यहीं पे दिया है, तो काफ़ी सही है। बस इसमें एक ही बटन है, जी हाँ ये पावर वाला, जिससे आप वॉल्यूम एक्सेस कर सकते हो, पॉज प्ले कर सकते हो। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू लाइट कलर की तीन लाइट जलती है एलईडी में। ओके आंटी ने बोल दिया है तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट होने के बाद कुछ ऐसी साउंड आती है बीप सी, तो ये कनेक्ट हो चुका है। अच्छा चलिए इसको आपके साउंड सुनाते हैं। ओके इसकी साउंड क्वालिटी सच में बहुत अमेजिंग है और बेस क्वालिटी हो सकता है गाइज आपको इसकी बेस जो है वो शायद उतनी ना समझ में आ रही होगी, अभी मैंने इसकी वॉल्यूम धीमी कर दी है। तो गाइज इसकी साउंड क्वालिटी सच में बहुत अमेजिंग है, हो सकता है आपको मोबाइल के स्पीकर से उसकी बेस्ट क्वालिटी ना सुना दे रही हो, मगर मैं लिटरली बता रहा हूँ अगर आप मेरे सामने होते तो कहते वाओ व्हाट अ साउंड, बहुत ही बेटर साउंड है इसकी। लिटरली इसमें जो बेस प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत अच्छा है। अगर इसके आप वॉल्यूम हाई करते हो हाँ, तो चलिए मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। हाँ तो गाइज ये पावर ऑफ हो चुका है। और अब मैं बात करूँ कि इसकी जो एक साउंड क्वालिटी थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और मैं अब इसके बारे में कुछ और डिटेल बताना चाहूँगा कि इसमें जो बैटरी बैकअप मिलता है आपको वो एक घंटे चार्ज करने के बाद आपको 2 से 3 घंटे का मिल जाता है, और अगर आपको साउंड सुनने के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2 से 3 घंटा बहुत होता है एक साउंड अगर आप सुनने कहीं लॉन्ग ट्रैवल पर जा रहे हो तो बहुत है उसके लिए। ओके और अगर मैं इसके बात करूँ कि अगर आप सोच रहे होंगे हाई वॉल्यूम पे इसकी आवाज़ फट जा रही है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं फट रही, अच्छी खासी बेस क्वालिटी मुझे मिल गई और मुझे तो बहुत पसंद आया। आप बताइए आपको कैसा लगा, और काफ़ी क्यूट सा है, आप देखिए ज़रा कहाँ मिलता है ऐसा स्पीकर, मतलब काफ़ी क्यूट सा है ये, तो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए, परचेज़ कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ऐसे स्पीकर बहुत कम आते हैं, क्योंकि आपने बहुत बार इससे बड़े बड़े स्पीकर यूज़ किए होंगे जिसको कैरी करने में दिक्कत होगी, एटलीस्ट इसको तो आप कैरी करने में झिकझिकाएंगे भी नहीं, कहीं पे भी ले जाइए कहीं पे भी बजाइए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ गाइज अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा 500 रुपये का, जी हाँ 500 रुपीज़ का, तो पार्टी बनेगी कहीं पे भी कैसे भी, जस्ट इन्जॉय।